मेरे एक सवाल का जवाब देकर दिखाओ, क्या मैं, आप जो इस वीडियो को देख रहा है, ये घर, ये प्लेनेट और ये सौर मंडल, क्या ये असल में एग्जिस्ट भी करता है या फिर ये एक वर्चुअल दुनिया है, एक प्रोग्रामिंग का दुनिया। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिमुलेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो आप कोडिंग की दुनिया में जी रहे हो, ठीक GTA गेम के तरह, जो कि अपने आप में ही एक दुनिया है जहाँ हर एक कैरेक्टर को प्रोग्राम किया गया है जिससे वो कैरेक्टर अपने बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता है। जो वैज्ञानिक सिमुलेशन कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं उनका ये कहना है कि ये ब्रह्मांड एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है जो कि इसी के अंदर तक ही सीमित है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अभी आप इस वीडियो को मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं और अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि ये स्क्रीन छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिसे पिक्सल्स कहते हैं और यही छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठा होकर अपना काम करती है जिसके चलते आपको लगता है कि आप स्क्रीन पर हमारी वीडियो देख रहे हो। लेकिन असल में जो ये चल रहा है पिक्सल्स का कमाल है जो कि आपके सामने एक वर्चुअल इल्यूजन क्रिएट कर रहा है वीडियो देखने का। लेकिन यही नजरिए से अगर हम सिमुलेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमारा बॉडी, ह्यूमंस, ये सारे जानवर, इतने बड़ी बड़ी इमारतें, ये घना जंगल और ये पूरा प्लेनेट सबसे छोटे पार्टिकल एटम से ही तो बना है। इनडायरेक्टली कहे तो इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय एटम्स के, जो कभी इंसान का रूप लिया रहता है तो कभी पेड़ का या फिर किसी बड़े ग्रह का। और ये सब देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये सब जो कुछ भी इस दुनिया में चल रहा है वो किसी कंप्यूटर में प्ले किया जा रहा है। एंड This is actually called a simulation concept. इसी concept के ऊपर कई सारे ऐसे examples हैं जो कुछ समय के लिए आपका दिमाग हिला कर रख देगा कि अगर ये एक simulation का दुनिया है तो किसने हमें create किया और ये सब शुरू हुआ कैसे। Finally जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या राय है इस बात पर। जय हिंद।